हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि विंटर होमवर्क में जो हमारी सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट है उसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये कैसे कैसे होंगे, ठीक है, और किस डेट से ये स्टार्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं। कक्षा चार में 30 तारीख को हमें, बुधवार को हमें मिलेगा होमवर्क। प्रश्न नंबर 1 है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप यातायात के कौन से यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। यातायात मतलब यात्रा करना। यात्रा करना, ट्रैवल करना, तो ट्रैवल के लिए क्या क्या यूज़ होता है, जैसे बस होता है, और आप ऐसे तरीके से बता देंगे, ठीक है। और फिर सफ़र में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सफ़र में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये सब भी आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि हमें हमें अपने खाने पीने की चीज़ें साथ में ले जानी चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और ये आप हमें बताएंगे, नहीं तो जब मैं वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपको वीडियो बनाने में मदद मिले, आपको टाइम टू टाइम हम वीडियो का वर्कशीट का सॉल्यूशन करवा सकें। चलिए 4 तारीख को सोमवार को क्या काम रहेगा हमारा ये देख लेते हैं हम। ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जहाँ पर आप समुद्र देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे राज्यों के नाम आपको बताने हैं जहाँ पे आप समुद्र देख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आप नाम बता दूँ, आप समुद्र कहाँ कहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मुंबई में गोवा में, ठीक है, और ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनमें आप समुद्र देख सकते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाइए जो तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनानी है जो आपको तटीय, जिसमें तट के किनारे हों, समुद्र के किनारे जो क्षेत्र हैं वहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक बता देंगे, नारियल के पेड़ हमें दिख रहे हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे नारियल के पेड़। पेड़, ठीक है, शाबाश। चलो आगे देखते हैं। 7 तारीख को वीरवार को हमें क्या काम मिलेगा। कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों में घूमने गए, आपने विचार लिखिए। ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाइए जो आप पहाड़ों में देख सकते हैं, ठीक है। तो कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि आप पहाड़ों में गए हैं, तो अपने विचार लिखिए। तो आपको लिखना होगा ये हरे हरे पहाड़, हरे हरे घास के मैदान हैं, यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। चलिए, ऐसी 5 चीज़ों के सूची हमको बनानी है जो आपको पहाड़ों पर देख सकते हैं, ठीक है। पहाड़ों पे क्या क्या देख सकते हैं, लंबे लंबे पेड़, लंबे लंबे पेड़, ठीक है, और क्या देख सकते हैं, और क्या देखेंगे हम पहाड़ों पे, घने पेड़, घने जंगल, और क्या देखेंगे पहाड़ों पे, लकड़ी के घर, ठीक है,
इस तरीके की चीज़ें आपको पहाड़ों पे देखने को मिलेंगी। चलिए और आगे देखेंगे हम अपने दादा दादी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा कीजिए। चलिए आप अपने दादा दादी के पास बैठ जाएंगे और आप अपने दादा दादी से पूछेंगे कि उनकी पसंद क्या है, उनको नापसंद क्या है। ठीक है, चलिए ऐसे हम करेंगे। मेरे दादा दादी पर 5 पंक्तियाँ अभी आपको लिखनी है। ठीक है, दादा दादी के ऊपर 5 पंक्तियाँ लिखनी है। मेरे दादा दादी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलो 15 तारीख को जो हमारा होमवर्क रहेगा, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इससे हमें क्या हानि होती है, ठीक है, प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, इस तरीके का आपको नाम लिख देने हैं। अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। ठीक है, आपको अपने माता पिता से पूछना है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो नल से आता है, नल से, कुएं से, कुओं से, और या बोरिंग से, तो ये आपको हमें बताना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने मम्मी पापा से पूछिए। तो उम्मीद करता हूँ जब ये वर्कशीट आपको दी हो जाएगी तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ताकि आप ही बहुत ही अच्छे से इसको कर पाएँ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।